क्रॉस भगाया में वजह थे गाइस। यार ये क्या है यार पापा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सभी बढ़िया रहेंगे। एंड गाइस आज मैं रेडियो के पहले साल गया हूँ, बिकॉज मुझे एक पार्सल लेके जाना है जो कि ये रहा ऑलमोस्ट यहाँ से रहेगा 28 किलोमीटर है गाइस, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। बीच में हमारा मोटो ब्लॉग भी बन जाएगा, तो फटाफट पार्सल हम ले लिए, हम निकलते हैं। तो हे गाइस फटाफट हम चलते हैं अब एंड गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फटाफट निकलते हैं। सो है गाइस अभी देख रहे हो मौसम एकदम थोड़ा एकदम ठंडा सा लग रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी धूप आ जाएगी कभी छांव आ जाएगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं गाइस। एंड बारिश का टाइम आ गया लगता है, क्योंकि कल जो थी वो बारिश हुई थी थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर, तो लग रहा है कि मौसम आ गया बारिश का। सो गाइस एक दिक्कत ये है ना कि सामने एक टोल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उधर ट्रैफिक हो जाती है एंड उधर कम से कम 10-15 मिनट तो हमारा उधर ही चला जाता है, सिर्फ 100 मीटर जाने के या 200 मीटर जाने में, क्योंकि उधर पूरा भी देखो ट्रैफिक, आपको दिखाऊँ पूरा ट्रैफिक दिखेगा गाइस आपको, लिटरली बता रहा हूँ। ओहो गाड़ी पूरी डिसबैलेंस हो रही है भाई साहब, हवा इतना तगड़ा बह रहा है। देखिए गाइस अपना स्टार्ट हो गया है इधर से ट्रैफिक, एंड ये ट्रैफिक कम से कम 100 से 150 मीटर में रहेगा, बट जाने में कम से कम उतना ही टाइम, 100 मीटर जाने में हम लोग को कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाता है। गाइस पीछे हवा वो ट्रैफिक पुलिस था, बोलता है ये देख इसको देख अगर शायद अगर उधर मैं स्लो रहता तो शायद रोक लेते थे वो, बट कोई ना अभी थोड़ा बच गए। सो गाइस यार आज ट्रैफिक लिटरली वो तो बहुत ही कम था, मतलब जो पहले मैं रोज़ आता जाता था ना उससे आज बहुत कम टाइम लगा, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट लगा रहेगा, क्योंकि गाड़ी आज की थी नहीं ट्रैफिक टोल पे, तो लगता है इसके लिए फटाफट गाड़ी हमारी क्रॉस हो गई। बट अगर ऐसा गाइस देखा जाए ना रोज़ उधर कम से कम 15 मिनट तो लगता ही था गाड़ी क्रॉस होने में टोल नाका। एंड आई होप गाइस आपको आवाज़ थोड़ा क्लियर आती हो, ठीक है। तो फिलहाल चलो हम चलते हैं फटाफट, बिना वेस्ट किए टाइम फटाफट पहुँचते हैं। एंड गाइस गाड़ी को यार मॉडिफाई करना रहेगा, तो गाइस गाड़ी में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं आप बताओ कमेंट करके प्लीज़, ये गाड़ी में अपने को अगर गाड़ी का लुक चेंज करना हो तो क्या क्या करवाना पड़ेगा। एंड गाइस हाईवे पे गाड़ी कम से कम 60-70 के स्पीड में गाड़ी चलती है, तो एंड प्लस मेरे मोबाइल, मैंने मोबाइल लगा रखा है अपने होल्डर में, मोबाइल अपना है तो मोबाइल थोड़ा वेटेड है, तो डर लगता है कि कहीं मोबाइल निकल के गिर ना जाए। एंड गाइस सामने देखो बोर्ड मारा हुआ है, दादर है अपना 22 किलोमीटर है यहाँ से, BKC है 17 और बांद्रा है 16, तो हमें जाना है घाट ऊपर, तो होगा भी आई थिंक इधर से कम अभी और बचा रहेगा 22 किलोमीटर और होएगा। गाइस सत्य में वजह थे, एंड इधर जो भारत रत्न दिया जाता है गाइस इधर बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं कि इधर ही दिया जाता है किधर दिया जाता है भारत रत्न सबको, तो चल अब निकलते हैं फटाफट गाइस यार बद्दू पहुँचना है हम लोग को। एंड गाइस मैंने डिसाइड किया ब्लॉग कैसा भी बने ब्लॉग में बनाऊंगा यार, मैं ब्लॉग कैसा भी बने। तो गाइस 390 का पावर दिखा रहा है बच्चा कोई ना हमारे पास भी आएगा तो हम भी दिखाएंगे। वो गाइस वो देखिए मेट्रो जा रही है अभी, जो नई मेट्रो बनी है ना मुंबई में, वो नई मेट्रो जा रही है और इसका लुक डिज़ाइन सब अलग है गाइस लिटरली, मतलब इधर महाराष्ट्र में बहुत से मेट्रो है लेकिन सबके ना अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन है, 3-4 मेट्रो है सब अलग अलग है। गाइस इधर वापस से ट्रैफिक चालू है, जो कि इधर कुछ है ही नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता इस साइड में जब भी आता हूँ ना तो ट्रैफिक सा चालू हो जाता है, क्या पता क्यों गाइस, क्योंकि देखो इधर ना टोल है और ना मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ हाईवे वे क्रॉस, पूरा हाईवे मतलब पूरा एकदम रोड है, सीधा सीधा देख सकते हो तो पूरा सीधा रोड है एक साइड, लेकिन फिर भी पता नहीं अभी इधर गाड़ियाँ स्लो हो जाती है और थोड़ा ट्रैफिक सा लग जाता है आज, तो फिर भी थोड़ा ना गाइस पहले बोल रहा हूँ पता नहीं आज कुछ हो है क्या या छुट्टी है क्योंकि थोड़ा मतलब राहत है आज तो अगले मतलब पहले जो फाइनली गाइस
पार्सल ड्रॉप कर दिया हूँ एंड अभी थोड़ा बैठा हूँ, मस्ती से थोड़ा छाँव हो गया है, हवा बह रहा है, तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर चालू करूँगा, फिर पार्सल पिक करके फिर जाएंगे, फिर थोड़ा मोटो ब्लॉग बनाएंगे। सो गाइज, हमने अपना दूसरा ऑर्डर भी ले लिया है एंड गाइज देख सकते हो, गाइज देखो इधर पूरा धूप दिख रहा है एंड जो हाईवे गया है पूरा उधर देखो पूरा धूप ही नहीं है। सो गाइज देखो यहाँ तक पूरा धूप है ना, अभी देखना जैसे हम लोग चढ़ेंगे तो पूरा एकदम धूप गायब हो जाएगा। अब देखो ये आया, ये धूप पूरा गया है। एंड गाइज अभी हमने एक जो सेकेंड ऑर्डर हमने उठाया है अभी ये थाना का है, तो गाइज थाना भी इधर से अभी 18 से 20 किलोमीटर है। गाइज देखो हवा इतनी तेज बह रही है ना कि गाड़ी मेरी ऐसे ऐसे हल्का हल्का कर रही है, इसके लिए मैं गाड़ी स्लो में स्पीड में ही चल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में देख सकते हो 60 की स्पीड में चल रहा हूँ, रोड तो पूरा खाली है। एंड गाइज होता ही हुए है ना कि रोड अगर खाली हो ना तो गाड़ी अपनी 90-85-100 तक चली जाएगी, मालूम नहीं पड़ता अगर रोड पूरा सीधा एंड खाली खाली है। अभी 60 से 70 हो गई गाड़ी, गाइज मालूम नहीं पड़ा मुझे क्योंकि रोड खाली रहता है, मालूम नहीं पड़ता है, गाड़ी पिकअप भी पकड़ लेती है रोड खाली रहता है, क्योंकि हम लोग क्लच पर हाथ रखते नहीं, क्योंकि गाड़ी पूरी खाली रहेगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अभी देखो 70 पार हो गया है, 75, 77, 80, 82, 87 भाई लगता है रोड अभी नया नया अभी मतलब नया नहीं बना है पुराना, लेकिन रोड पे अभी वो सब जो ब्लैक वाला क्या बोलते हैं ना उसको डाले हैं, देखो स्मेल आ रही मुझे अभी, मतलब पूरा अभी नया नया डाले हैं तो देख सकते हो चमक भी रहा पूरा ब्लैक ब्लैक, तो अभी नया डाले ना इसके लिए स्मेल आ रहा है रोड पे। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आगे इधर गन्ने के जूस की तरफ एक ग्लास गन्ना जूस पीते हैं, क्योंकि गाइस गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पूरा गला सूख जा रहा है आधा एक एक घंटे में, तो अभी हम लोग पी लेते हैं गन्ने का जूस पी के फिर निकलते हैं। तो हाईवे पे जब मैंने 100 क्रॉस भगाया मेरे को लगा गाइस रोक रहे, मेरे को लिटरली मैं कब अंदर से धुक धुक करने लगा, मेरे को लगा गाड़ी रोक रहे, हमारी गाड़ी रोक रहे, बाइक अगर रोकते तो गाइस कोई दिक्कत नहीं होती वैसे कोई रोकते तो, क्योंकि अपने पास सब है, गाड़ी का पेपर है और लाइसेंस है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ बोल के पावती काटते हैं गाइस, पता नहीं गाइस यार ये क्या है यार, बता सकते हो मुझे भी नहीं आइडिया, बहुत ही अलग चीज़ दिख रही है। एंड टायर देख सकते हो गाइस कम से कम 30 से 40 टायर लगा हुआ इसको, मतलब इतना वेटेड है ये। सो गाइस बहुत ही अलग ही चीज़ दिख रही है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो।